आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ निंजा प्रेस स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास वन का ग्रामर का पीरियड है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाउन की एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नाउन नेम ऑफ पीपल एंड नेम ऑफ एनिमल्स हमने कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेम ऑफ प्लेसेस। नाउन जो है वो किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग के नाम को हम कहते हैं नाउन। नाउन जो है वो बेसिकली नेमिंग वर्ड है। अब उस नेमिंग वर्ड की जो कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी है नेम ऑफ प्लेसेस, आज हम उसको स्टडी करते हैं। यानी किसी भी जगह का नाम है वो नाउन होता है। आए हम लोग इसको, सबसे पहले हम लोग को जो उन्होंने एक्सरसाइज एच में दिया, मैच द एक्शन विद द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। आप इसके ना एक कोई एक्शन दिया हुआ है, उन्होंने डिफरेंट इसकी प्लेसेस दी हुए। आप लोगों को ये पूरा सेंटेंस पढ़ना है, आपको ये पूरा सेंटेंस समझना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि इसमें से जो प्लेसेस दी हुए इनमें से कौन सी प्लेस में ये काम होता है। लाइब्रेरी, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में बेसिकली हम लोग लेटर पोस्ट करते हैं, स्टैम्प जो लेटर में लगती है वो सारे पोस्ट ऑफिस में काम होता है। लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, वहाँ पर जाके रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। गार्डन के अंदर हम लोग खेलते हैं, वी प्ले इन द गार्डन। पैलेस में, पैलेस के अंदर जो किंग्स एंड क्वींस होते हैं वो पैलेस में रहते हैं। फील्ड, फील्ड जो है हमारे खेत को कहते हैं फील्ड। तो फील्ड के अंदर हमारे पास हरियाली होती है, क्रॉप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें फील्ड में होती है। आइए हम लोग अपने एक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं। रीमा इज प्लेइंग विद हर डॉल इन द डैश। रीमा अपनी डॉल से खेल रही है गार्डन में। रीमा इज प्लेइंग विद हर डॉल इन द गार्डन। द किंग इज सिटिंग इन हिज, अब किंग एंड क्वीन जो हैं कहाँ रहते हैं, पैलेस में। द किंग इज सिटिंग इन हिज पैलेस। किंग है तो कहाँ बैठे हुए होंगे, अपने पैलेस या महल में। अर्शद इज बाइंग स्टैम्प्स एट द डैश। अब अर्शद जो है बच्चे का नाम है, वो बाय यानी खरीद रहा है स्टैम्प्स। स्टैम्प जो है वो लेटर के ऊपर लगाई जाती हैं, उसके बाद उसको हम पोस्ट करते हैं। तो स्टैम्प जो है वो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। अर्शद इज बाइंग स्टैम्प्स एट द पोस्ट ऑफिस। रिहान इज वाटरिंग द क्रॉप्स इन द डैश। रिहान बच्चे का नाम है, वो फसल को पानी दे रहा है, खेतों में दिया जाएगा पानी, राइट, फील्ड में। रिहान इज वॉटरिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड। रानी इज गोइंग टू बोरो अ बुक फ्रॉम द डैश। रानी जो है वो कुछ दिनों के लिए बुक लेगी। अब बुक्स कहाँ से ली जाती हैं, बोरो की जाती हैं, वो लाइब्रेरी से बोरो की जाती हैं। लाइब्रेरी में हम किताबें पढ़ते भी हैं, वहाँ से किताबों को इशू करते हैं, बोरो करते हैं, कुछ दिनों के लिए लेते हैं। इससे हम लोगों ने सारी एक्शन को उनके प्लेसेस से मैच कर लिया। अब हम लोगों आई के अंदर एक्सरसाइज आई के अंदर क्रॉस आउट द ऑड पिक्चर। अब इन्होंने हमें नंबर वन के लिए सीरीज ऑफ फोर पिक्चर दी हुई है, इसमें से हमें देखना है कौन सी ऑड पिक्चर है, हम उसे क्रॉस करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में देखें ये प्लेग्राउंड दिखा रहे हैं, सेकंड पिक्चर में प्लेग्राउंड दिखा रहे हैं, थर्ड पिक्चर में भी प्लेग्राउंड, ये फुटबॉल का ग्राउंड है वो दिखा रहे हैं, और फोर्थ पिक्चर में किचन दिखा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सब ग्राउंड 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 है जिसमें खेला जाता है, किचन कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास पिक्चर को हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सेकंड पे आइए, यहाँ पे इन्होंने हमें एयरपोर्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये हमें ट्रेन स्टेशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये हमें क्लासरूम दिखा रहे हैं, नंबर फोर्थ पिक्चर में बस स्टेशन दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास एयरपोर्ट है, ये ट्रेन स्टेशन है, ये हमारे पास बस स्टेशन है। इन तीनों जगहों से लोग ट्रैवल करते हैं,
अ क्लासरूम है. क्लासरूम जो इसमें ऑड वन है क्योंकि क्लासरूम के अंदर हम लोग पढ़ाई करते हैं. सब में ट्रैवलिंग का आ रहा है, बीच में एक पढ़ाई का है, तो हमने इसको क्रॉस कर दी, ये ऑड है. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक शिप जो है वो पानी में तैर रही है. फिर ये हमें आसमान का मंजर दिखा रहे हैं. देन ये फिश को दिखा रहे हैं कि पानी में है. एंड देन इधर दिखा रहे हैं फोर्थ पिक्चर में कि एक बंदा स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है. तो इसके अंदर जो हमारे पास पानी पानी और पानी, ये तीनों पिक्चर्स में पानी, बीच में एक आसमान की चारों चांद और सितारों की पिक्चर, उसको हम क्रॉस कर देते हैं बिकॉज दैट इज द ऑड वन. ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज हो गई नेम ऑफ प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन्स की. अब हम नेम्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी चीज के नाम को भी हम नाउन कहते हैं. अब हम चीज़ों के नेम्स ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों के नाम की एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज नंबर जे, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स गिवन इन द बॉक्स, वेयर आर दे बिलोंग. अब हम लोगों को इसके अंदर करना यह है, हमें इन्होंने बॉक्स में वर्ड बैंक में उन्हें हमें चंद चीज़ों के नाम दे दिए हैं, हमें उन चीज़ों का नाम उसमें उस जगह लिखने जहाँ पर वो है मौजूद हैं. जैसे कि सबसे पहले गैस, अब गैस देखें ये गैस सिलेंडर है, ये हमारे पास यहाँ पर हम लिख देंगे गैस. अब इस पिक्चर के नीचे लिखें या इसके आसपास लिखें, इस तरह यहाँ पर हम गैस लिख देंगे. देन हमारे पास जो सेकंड नाम आ रहा है वो है स्पून का, स्पून SPOON स्पून. तो स्पून हमारे पास यहाँ पर हम इसको किसी तरह स्पून इस तरह करके लिख देते हैं स्पून. ठीक है, फॉर्क, फॉर्क कांटे को कहते हैं, ये हमारे पास फॉर्क है FORK फॉर्क. देन प्लेट, ये हमारे पास पिंक कलर की प्लेट है, हमने प्लेट लिख दिया. ट्यूबलाइट, ये जो है ऊपर ट्यूबलाइट है, हमने इसको पहले लिख दिया ट्यूबलाइट, ट्यूब लाइट. स्पेलिंग ध्यान से ऊपर से देख के सही से उतारेंगे. फिर हमारे पास डोर आ रहा है, मुझे इसके अंदर डोर नज़र नहीं आ रहा है. मिक्सर, ये देखें हमारे पास जो ये ब्लेंडर मशीन है, इसको मिक्सर भी कहते हैं, मिक्सर. स्विच, ये हमारे पास स्विच बने हुए हैं, SWITCH स्विच. स्लैब, स्लैब ये पूरा जो ब्लू कलर का है ये है स्लैब. फिर सिंक, सबकी किचन में सबने देखा होगा अपने अपने घरों में किचन में सिंक है. टैप, टैप कहते हैं नल को. पाइप, ये हमारे पास पाइप है येलो कलर का, ये सिंक से जो ड्रेन में जा रहे पाइप है. वाटर फिल्टर, इसमें इन्होंने यहाँ पर वाटर फिल्टर भी लगाया हुआ है, वाटर फिल्टर. बेसिकली इन्हें जो डोर लिख देना, यहाँ पर इनको विंडो लिखना था, अगर विंडो लिखते तो हम यहाँ पर नाम लिख देते, लेकिन अब नहीं है तो छोड़ दिया. इस तरह हमने इस तरह पूरी पिक्चर को लेबल कर लेना है.